देखिए दोस्तों, ये वन ऑफ द व्यू पॉइंट है एट खंडाला घाट। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं ये सारे क्लाउड हैं, बादल। दोस्तों देखिए, ये है राजमाची व्यू पॉइंट ऑन खंडाला घाट। हाई गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी मैं लोनावला में हूँ और हम लोग जा रहे हैं आदोशी रेंज ऑफ वाटरफॉल्स। ये इनोज भाई ने लोकेशन ढूंढ के निकाला है। यूट्यूब पे देखा तो बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पड़े थे। मुझे लगा पुणे में सारी लोकेशन पुणे के आसपास एग्जॉस्ट हो गए, बट अभी नहीं हुए। तो अभी बहुत सारे लोकेशंस बाकी हैं विच इज़ येट टू बी एक्सप्लोर्ड। तो आदोशी रेंज ऑफ वाटरफॉल खोपोली के आसपास आता है, एंड अकॉर्डिंग टू अदर यूट्यूब वीडियोस, आप बाइक या कार से भी जा सकते हैं और हार्डली 5 मिनट्स का वॉकिंग है। उसके बाद फिर वाटरफॉल आ जाता है। तो वहाँ पे मल्टीपल वाटरफॉल्स हैं। तो अभी तो ज़्यादा बारिश हुई नहीं है, तो पता नहीं, अब वाटरफॉल तो नहीं मिलना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। अब मौसम में एकदम खुशनुमा बना हुआ है, आगे जाके गर्मी होने वाली है क्योंकि धूप है और क्लाउड बिल्कुल भी नहीं है, आसमान एकदम साफ है। तो बने रहिए मेरे साथ, वहाँ कैसे क्या जाना है आपको, अगर आप टू व्हीलर से आते हैं या फिर कार से आते हैं या फिर बस से आते हैं, देन आपको कैसे फॉलो करना है आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिए, यह है राजमाची व्यू पॉइंट ऑन खंडाला घाट। सामने जो आप देख रहे हैं वो राजमाची है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका हूँ शूट करने के लिए। वो सामने देखिए, वहाँ पे वाटरफॉल भी है, तो अपने को वाटरफॉल मिल सकता है आज हम जहाँ जा रहे हैं, आदोशी रेंज ऑफ वाटरफॉल। सो बने रहिए मेरे साथ फॉर सीनिक व्यू। देखिए दोस्तों, ये वन ऑफ द व्यू पॉइंट है एट खंडाला घाट। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं ये सारे क्लाउड हैं, बादल। क्या शानदार दिख रहा है, देखिए। आप जब मानसून में आएंगे लोनावला खंडाला घाट, ये आपको स्वर्ग से कम नहीं लगेगा। ये देखिए मेरे बाइक पे बच्चा
फोटो खिंचाते हुए। तो देखिए दोस्तों, ये जो खंडाला घाट है ये अभी मानसून स्टार्ट भी नहीं हुआ है और अभी से स्वर्ग बन गया है। ये रोड पे ही आपको क्लाउड्स आ जाते हैं, फॉग आ जाते हैं और आपको इतना अच्छा लगता है। अभी हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है बिकॉज डेस्टिनेशन पे जाना है यार, सादोशी रेंज ऑफ वाटरफॉल, अदरवाइज़ यहाँ पे रुकना तो बनता है। बहुत देर तक आप यहाँ पे रुक के फ़ोटो खिंचा सकते हैं, शूट कर सकते हैं, ऑसम लोकेशन। सो दैट वाज द खंडाला घाट। अभी हम लोग खोपोली की तरफ ड्राइव कर रहे हैं। संदीप भाई, इनोश भाई एंड मुझे तो आप जानते ही हैं। संदीप भाई अपने होंडा हाइनेस के साथ, इनोश भाई ड्यूक 250 एंड मेरा 390 एडवेंचर। ये देखिए दोस्तों, आप जब ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से, पुणे से मुंबई या मुंबई से पुणे आते हैं तो जो एडवेंचरस रूट ये होता है वो एक्सप्रेसवे पे आपको नहीं मिलने वाला है। एंड गुड थिंग इज़ दैट यहाँ पे कोई टोल नहीं है, एक्सप्रेसवे के जैसा कॉस्टली नहीं है ये रोड एंड इट्स वेल मेंटेन्ड। तो दोस्तों अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट पे आए हैं, साई समर ढाबा एंड स्नैक्स। तो आप जब ये हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ आदोशी रेंज ऑफ वाटरफॉल की तरफ जाते हैं तो ये खोपोली के पास में आता है और यहाँ पे ज़्यादा रेस्टोरेंट ऑप्शंस नहीं है। तो आप पहले ही खंडाला में खा के आइए या फिर यहाँ पर आ सकते हैं जहाँ हम लोग आए हैं। ये यहाँ का बैनर है, क्या क्या मिलता है, साउथ इंडियन पोहा डोसा है एक्सेट्रा, ये सब यहाँ पे है अवेलेबल। सो लेट्स सी। तो दोस्तों इनका बैंक्वेट हॉल भी है तो आप अंदर भी बैठ सकते हैं और जैसा आप देख रहे हैं लोग बाहर बैठ के खा रहे हैं वहाँ भी खा सकते हैं आप। तो फैसिलिटी के हिसाब से तो मुझे बहुत मस्त लगा ये। खाने का बताता हूँ मैं आपको कि खाने का क्वालिटी कैसा है। यहाँ का लोकेशन मैं डाल दूंगा आपको, इनकेस आपको आना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो हम लोग ने साउथ इंडियन डिश ऑर्डर किया है तो आने दीजिए ऑर्डर, फिर आपको बताता हूँ। ये संदीप भाई, ये इनोश, तो मुझे तो आप पहचानते ही हैं। तो देखिए दोस्तों ये है, मैंने इडली ऑर्डर किया है, इनोश भाई ने इडली वड़ा और संदीप भाई ने भी सेम। सो व्यवस्था आपको दिखाई चुका हूँ, फैसिलिटी और टेस्ट भी खाने का अच्छा है यहाँ पे नाश्ते का जो हम लोग कर रहे हैं। एक्चुअली लोकेशन मैं डाल दूँगा, आप यहाँ पे आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ फॉर सीनिक डेस्टिनेशन। सो दोस्तों हम लोग रेस्टोरेंट से निकले और आगे कुछ दूर चलने के बाद लेफ्ट एक रोड आता है तो वहाँ से लेफ्ट लिया है। जस्ट गूगल मैप को फॉलो कीजिए आप। It is showing 16 minutes from here, 6.3 kilometer. Forecast, weather forecast mobile में बोल रहा है कि बारिश होगी। आसमान में बादल हैं बट मौसम को देखते हुए लग नहीं रहा है कि बारिश होने वाली है।
तो दोस्तों ऑलमोस्ट हम आदोशी विलेज तक आ गए हैं, आदोशी AADOSHI, तो स्पेलिंग यही है आदोशी। तो यहाँ तक तो आप बस से भी आ सकते हैं, टू व्हीलर से भी आ सकते हैं और कार से भी आ सकते हैं। रोड्स आर मैनेजेबल, कहीं पे अच्छे रोड हैं, कहीं पे बैड पैचेस हैं। तो एज यूजुअल जो गांव का रोड होता है, सो दैट्स नॉट एन इशू। तो दोस्तों ये है बस स्टॉप। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको छोटा सा ब्रिज दिख रहा है लोहे का, ये आगे जाके वहाँ पे बस स्टॉप है, बस आपको वहीं पे छोड़ती है और आपको रिटर्न आना है। ये पुल के इधर से एक लिफ्ट है, रास्ता अंदर जाता है, सो यू हैव टू गो दिस वे। आपको मैं दिखाता हूँ आगे, ये पगडंडी टाइप का रास्ता है, इसमें कार भी इजीली आ सकता है, कार या फिर SUV भी इजीली आ सकते हैं यहाँ पे। ये पूरा कच्चा रास्ता है, लेकिन आपको गाड़ी चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अभी वाटरफॉल अब इतना चालू नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा पानी रिस रहा है वहाँ पे पहुँच के आपको बताता हूँ मैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो हार्डली रोड से 5 मिनट आपको चलना पड़ेगा और आप यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं वाटरफॉल के पास। वाटरफॉल तो अभी पानी ज़्यादा नहीं है, बट अभी थोड़ी बारिश होगी, देन अच्छा व्यू मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए वहाँ पे ये वाटरफॉल बनता है वहाँ से, और यहाँ से पानी होते हुए जाता है। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ, आगे चल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, यहाँ कार वहाँ तक जा सकती है, कार एक्चुअली यहाँ भी आ सकती है, बट डिपेंड्स अपॉन कितना रश है। और मैंने सुना है कि जब पीक सीजन में पुलिस वाले भी होते हैं जो आपको गाड़ी अंदर लाने नहीं देते, सो दैट डिपेंड्स, बट एज ऑफ नाउ तो कोई रश नहीं है, तो आप आ सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये आ गया वाटरफॉल। और थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको। अच्छी बात यह है ये वाटरफॉल का कि ये रोड से ज़्यादा दूर नहीं है, आपको हार्डली 5 मिनट्स वॉक करना पड़ता है एंड आप ये वाटरफॉल तक पहुँच जाते हो। अभी सूखा है तो देख लीजिए कितना सारा पत्थर है यहाँ पे। तो जब पानी होगा तो आपको सावधानी बरतनी है थोड़ी, आप मतलब पत्थर कहीं भी पैर फिसल सकता है आपका। तो अभी तो सूखा है तो अभी दिख रहा है कैसा क्या है। तो दिस इज वाटरफॉल, आपको और पास जाके बताता हूँ थोड़ी देर में। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ASP_vlogs007। देखिए दोस्तों, हम लोग वाटरफॉल के एकदम बहुत नीचे आ चुके हैं, ये पानी भी जमा है। तो ये ऊपर से पानी गिरता है और यहाँ से होते हुए इधर से वहाँ आगे बह जाता है पानी। तो इतना शानदार लोकेशन है ये, संदीप और विनोज भाई अपना कुछ शूट करते हुए। दिस इज आडोशी रेंज ऑफ वाटरफॉल्स। यहाँ पे दो वाटरफॉल बनते हैं, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है। तो दोस्तों देखिए, यह है आडोशी रेंज ऑफ वाटरफॉल का एक वाटरफॉल। अभी बारिश ठीक से स्टार्ट हुआ नहीं है तो ये इसलिए ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज ये बहुत खूबसूरत होने वाला है मानसून में। मानसून में फिर से एक बार मैं आऊँगा यहाँ पे, आपको बताऊँगा। ये देखिए पूरा 360 व्यू दिखा रहा हूँ आपको। आपको बुझे तो दोस्तों, ये था आडोशी वाटरफॉल। अभी हम लोग जा रहे हैं आडोशी डैम की तरफ, वहाँ से यहाँ से 2 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही दिखा रहा है। तो सोच रहा हूँ उसको भी कवर कर लूँ, तो हम लोग आडोशी डैम की तरफ जाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस शूट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ASP_vlogs007।
तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल SP_Vlogs007. थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा.